अली भाई अगला सवाल है क्या कार्टून वाली शर्ट पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है इसी तरह क्या टी शर्ट पहनकर नमाज हो जाएगी कार्टून वाली जो शर्ट का इशू है ना जी कोई तुक नहीं बनता कि इंसान कार्टून वाली शर्ट पहन के नमाज पढ़े मतलब कोई छोटा बच्चा हो तो उसने कार्टून वाली उसको चले उसने पहनी हुई है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है एक बड़ी उम्र के बंदे का क्या काम है वो ख़ुद कार्टून बनना चाहता है कि वो कार्टून वाली शर्ट पहन के नमाज पढ़ेगा बाजुकात कुछ छोटे मोटे सिंबल्स बने होते हैं कभी घोड़े की कोई तस्वीर है कभी कोई चील की ओकाब की बनी हुई होती है वो छोटी तस्वीर जो है वो उसका तो कोई इतना इशू नहीं है जब तक वो डोमिनेंट ना हो वो देखने में पूरा उसका चेहरा जानवर का नज़र ना आ रहा हो तो ज़ाहिर है फिर ऐसी शर्ट के अंदर तो आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए इस्लाम में ये चीज़ पसंदीदा नहीं है कि आपने तस्वीर या कोई मुजस्मा इज़्ज़त की जगह पर रखा हो नमाज के दौरान इसलिए सामने तस्वीर हो तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे मुजस्मा हो अगरचे आपकी नीयत ना भी हो उसकी इबादत करने की आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कार्टून जो आपके सीने पर या बैच की शक्ल में या पुश्त पे है तो ज़ाहिर एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है ना फिर आपके पीछे जो नमाज पढ़े उनके तो बिल्कुल सामने आ रहा है वो अलबत्त जमीन के ऊपर कार्टून हो फिर कोई इशू नहीं किसी के नज़दीक पे वह ज़लत के मकाम पर पड़ा हुआ इज्जत के मुकाम पर कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए बाकी ये जो तो छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं ना कभी बैच पर कोई छोटा सा उकाब बना हुआ इसका कोई बड़ा मसला नहीं जब बड़ी तस्वीर हो जो डोमिनेंट नज़र आ रही हो तो ऐसी शर्ट में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए नमाज आप ऐसी शर्ट में पढ़ें जिसके ऊपर तस्वीरें इस तरह की ना बनी हुई हो बेहतर यही है बाकी रहेगा टी शर्ट का इशू तो टी शर्ट में भी नमाज दुरुस्त है कोई भी इसको गलत नहीं कहता कुछ जिस बात की वजह से कहते अलग बात है अलबत् बुनियान में कोई नमाज ना पढ़े वो तो बिल्कुल एक ऐसा बेहुदा सा लिबास है और वैसे भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के महबूब वाली वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स इस हाल में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे पर कोई ना कोई चीज़ ना हो और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अगर एक चादर में नमाज पढ़नी है तो दाएँ पल्लू को अपने बाएँ कंधे पर कर लो और बाएँ को अपने दाएँ पर इस तरीके से ना वो घुटनों समेत ऊपर तक यूँ एक चादर में भी अरबी न ड्रेसिंग अपनी कर लिया करते थे शतर छुपा लिया करते थे तो कंधे पर न होना ज़रूरी है इसलिए आप देखें एहराम की हालत में भी जब तवाफ़ क़बा के दौरान नमाज का टाइम हो जाए ना तो वैसे तो हुक्म यही है कि आपने जो है ना वो अपने अहराम वाली जो चादर है उसको दाएँ कंधे से नीचे से गुजार के यूँ करना है लेकिन नमाज के लिए फिर वो उसको निकाल के ऊपर ले, ले लेते हैं क्योंकि इस हालत में अगर नमाज पढ़ेंगे ना वो कोई जायल ही पढ़ रहा होगा जैसे नमाज नहीं होगी किसी के पास कपड़ा ही बिल्कुल शार्ट है कोई गरीब है या कैटसट्राफिक कंडीशन है फिर तो मामला अलग है वो तो ख़ाली तहमद में भी नमाज हो जाएगी ये उस सूरत में जब किसी के पास कपड़ा अवेलेबल है तो अपने कंधे पर ज़रूर वो रखेगा इसी तरीके से सही मुस्लिम में यदीस है नबी नबीलाम ने एक दफ़ा एक ऐसी चादर में नमाज़ पढ़ी जिसमें नक्शो नगार बने हुए थे तो आपने नमाज के बाद वो चादर उतार के आपने फरमाया इसने मुझे मशगूलियत में डाल दिया मैं इसके नक्शो नगार में मेरी कंसनट्रेशन गई तो मेरी तवज्जो नमाज से हट गई तो इस तरह के ज़रक बर्क लबास पहन के ऐसी टी शर्ट्स पहनना या इस तरह की कार्टूनों वाली शर्ट्स पहन के नमाज पढ़ना इसको कोई इस्लाम में पसंदीदा नहीं कहा गया सोबर ड्रेसिंग होनी चाहिए नमाज के लिए तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों तक का सतर है लेकिन ये उस सूरत में जब उसके पास कोई और कपड़ा ना हो जब कोई और कपड़ा होगा तो फिर अगर कोई कमीज़ उतार के नमाज पढ़ता है या उसके कंधे नंगे हैं तो उसकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी ये जेन में रखिएगा क्योंकि वाजअ है बुखारी मुस्लिम में कि कोई शख्स इस हाल में नमाज़ ना पढ़े कि उसके कंधों पर कोई ना कोई चीज़ ना हो अलबत्त ये याद रखिएगा कि साहबा के, के ज़माने में भी जो ग़रीब लोग भी थे ना वो भी जब एक चादर में भी नमाज़ पढ़ते थे ना तो वो उसको यूँ करके पीछे गिरा लगाते थे यानी नीचे से चादर ला के ना इधर से इस कंधे से गुजार के और इधर वाली साइड को इधर से गुजार के पीछे गिरा लगाते थे कंधे को वो भी कवर करते थे उसमें ये नहीं होता था सिर्फ़ तहमद बांध के तो वो नंगे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे जो अक्सर मिलता है ना कि एक चादर में हज़रत जावा बिन अब्दुल्ला ने नमाज़ पढ़ी और दूसरी चादर साइड पर कर दी तो लोगों ने पूछा आपने ये क्या किया जो मुस्रद अहमद में हदीस है बल्कि बुखारी में भी इसका हिस्सा मौजूद है तो उन्होंने कहा मैं तुम जहलों को बताना चाहता हूँ कि नबील इस्लाम के, के ज़माने में तो हमारे पास दो कपड़े होते ही नहीं थे कि हम नमाज़ तो हम एक कपड़े में भी नमाज़ पढ़ लेते थे ठीक है इसी के तहत हदीस जो है ना वो जानबूझ के पकड़ी और टोपी हर दफ़ा उतार के तो कहते हैं जी हम उस पर अमल कर रहे हैं यार वो एक दफ़ा उन्होंने किया था और वो मसला सिखाने के लिए था और ये भी नहीं था कि वो घर से ही नंगे सर आए थे वो घर से वो लेके आए थे वहाँ उन्होंने चाह तो आ आप ही घर से पकड़ी बांध के आएँ टोपी पहन के आएँ और पन्ना रख के आएँ फिर नमाज़ के वक्त आप एक वक्त के लिए इसको नीचे रख दें ये क्या आपने वो जो है वो ख़ाम का एक रूटीन बनाई हुई है और एक गैर अखलाक़ी रवैया बनाया हुआ है मैं ये नहीं कहता नमाज़ नहीं होती है लेकिन जहां आप छोटी छोटी सुन्नतों पे जहां पे अमल करते हैं तो उन सुन्नतों में तो ये बड़ी सुन्नत है आप देखेंगे अहले हदीस की मस्जिद में आपको मिलेगा कि जी वो फजर की दो सुन्नतें पढ़ के ना थोड़ी देर के लिए वो लेट जाते हैं और कहते हैं नबी इस्स्माम भी लेटते थे तो हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं हालाँकि नबील इस्लाम के बारे में जो बुखारी में आता है आप तो अच्छा खासा देर लेटते थे आराम करते थे उसके बाद आप नमाज के लिए जाते थे वो कहते नहीं थोड़ी देर भी लेटली सुन्नत पे तो अमल हो गया ये सुन्नत अमल हो रही है तो चिड़ टोपी के साथ पगड़ी के साथ सर पे चादर लेने के साथ तो नहीं होनी चाहिए फिर सारी सुनतों तो पे आप अमल करें जब हम इस पे थोड़ी तरगीब दिलाते हैं वो कहते हैं जी क्या आप कहते हैं इसके बगैर नमाज नहीं होती हम कब कहते हैं इसके बगैर नमाज नहीं होती है ये तो अनफी भी नहीं कहते हैं उनकी पब्लिक ही सिर्फ कहती है आहमोजा ब्रिल्वी साहब ने तो लिखा है फतावा रिजविया के अंदर कि अगर किसी शख्स को नंगे सर नमाज पढ़ने में खुशी और खुजु नसीब हो तो उस पर लाजिम है कि वो नंगे सर नमाज पढ़े ठीक है तो वो हनफियों का भी ये मसला नहीं है लेकिन जहाँ सुन्नत की बात करते हैं तो इस्लाम ने कभी भी जान बूझ के नंगे सर ज़िंदगी में एक नमाज़ भी नहीं पढ़ी एराम की हालत में पढ़ी तो वो तो अकाम ही डिफ़रेंट है कभी ये नहीं हुआ कि नबीलाम जान बूझ कर नंगे सर हों तो ये खैर अलग से एक मसला है मैं वो टी शर्ट के हवाले से डिस्कशन कर रहा था और तस्वीर वाली जो इस तरह की चीज़ें पहनना तो ये मना है बाकी आ, अगर कोई नक्शो नगार वैसे बने हुए हैं जैसे ये सिंधी अजरक है या और तरह की मानी शर्ट्स होती हैं तो उसमें नमाज दुरुस्त है कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर नमाज में कोई कराहत नहीं है अल्लाे कि आपकी तवज्जो वो बांट दे फिर अलग मामला हो जाएगा वो तो हती के सही मुस्लिम में यहाँ तक आता है कि नबीम ने एक दफ़ा नमाज पढ़ी तो सामने बुखारी में भी हदीस है कि एक परदा था जिस पे नक्श नगार बने हुए थे तो नवी इस्लाम ने कहा कि इसको बदल दो इसने मेरी नमाज में मशगूलियत कर दी है तो नबी इस्लाम को यानी एक सादा ज़िंदगी एक आपकी ज़िंदगी की रूटीन थी तो टी शर्ट में भी नमाज दुरुस्त है पैंट भी कोशिश करें ड्रेस पैंट हो स्किन टाइट ना हो और शर्ट ऐसी इस्तेमाल करें जो आगे और पीछे के हिस्से को कवर करें जितना भी आप यानी आ, यानी सादगी और सुनत के करीब और हया के करीब जा सकते हैं उस लबास को फॉलो करने की कोशिश करें अलबत्त नमाज जो है ना बरल हो जाएगी औरतों के सतर का मामला अलग है औरतों के लिए तो सर के बाल ढांपना भी ज़रूरी है बुदौद में उदमदीस है जब औरत बालगा हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती है अगर वो नंगे सर होगी इसी को बाज़ लोगों ने गलत मतलब समझा कि जो नंगे सर फिरती हैं उनकी नमाज ही नहीं होती नहीं नमाज की हालत में जो नंगे सर हुआ औरत तो औरत के लिए तो सर ढाँपना फ़र्ज़ है मर्द के लिए टखने नंगे करना ज़रूरी है औरत के लिए टखने ढापना ज़रूरी है तो औरत का सतर बिल्कुल अलग है औरत सिर्फ चेहरे की टिकिया वो भी अगर अलग में नमाज़ पढ़ रही है पब्लिक प्लेस पे कर रही है तो वो नकाब करके ही पढ़ेगी। और ये दोनों हाथ और दोनों पाँव ये खुले हों तो ये इसके अलावा बाकी सब ढका हुआ होना चाहिए एक और रवायत है वो कमज़ोर है दाऊद में हज़रत सईदा उम सलमा से के, औरत ऐसे लिबास में नमाज पढ़े जो उसके पाँव को भी ढांप ले अरब में तो बाद औरतें इतना गलू करती हैं कि वो कहती हैं अगर पाँव भी औरत का नजर आ गया ना बाहर पाओं भी वो कहते हैं नमाज नहीं उसकी होगी तो वो रवायती ज़ैफ़ है पाव टखनों के नीचे नीचे नजर आ सकता है औरत का हाथ भी चेहरे की टिकिया भी गैर महरम मर्दों के लिए नहीं मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि वो अगर अपने घर के अंदर पढ़ रही है या औरतों वाले पोर्शन में पढ़ रही है तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी तो सतर एक क्रिटिकल इशू है सतर ढांपना उसका एहतमाम करना ये नहीं है कि आप नाइट ड्रेस में जाके फजर की नमाज पढ़ रहे हैं यानी आप जिस लिबास के अंदर पब्लिक का सामना नहीं कर सकते उस लिबास के अंदर आप अल्लाह के सामने क्यों जा रहे हैं मैं इसलिए कहता हूं ये तिनकों वाली जो टोपियां रखी हुई हैं जो आम हालत में कोई पहनता नहीं अब तो उससे भी बुरा वर्जन आ गया वो प्लास्टिक की टोपियां आ गई हैं उससे बेहतर आप नंगे सर नमाज पढ़ें या तो आप घर से टोपी लेके जाएं अगर नहीं है तो नंगे सर नमाज पढ़ लें अब तो कई मसाजिद में खैर अच्छी वो सख्त वाली टोपियाँ भी कपड़े की आना शुरू हो गई हैं ये तिनकों वाली और प्लास्टिक की टोपियाँ वो तो लगता है कोई जैसे उसको उल्टा करें तो फ़कीर जो वो मांगने वाले उन्होंने हाथ में वो जो पकड़ी होती है ना टोकरी वो ही बन जाती है तो ये तो नमाज की तोहन है ना जी इस तरह की तो ना आप करें इस एतबार से मैं समझता हूँ कि फिर उससे तो बेहतर आप नंगे सर नमाज पढ़ें लेकिन नमाज के लिए आप आएँ तो जीनत के साथ आएँ सूरतराफ में ला तक माया कि मस्जिदों में ज़ीनत के साथ आओ इसी आयत के तहत ही यानी हमारा ये वोकफ़ है कि जीनत वाला लिबास वो होगा जिस लिबास के साथ अल्लाह के महबूब महूब आते थे वैसे तो स्पेसिफिकली ये कुफ़ार मक् को एड्रेस किया गया कि वो तवाफ कहबा में नंगे तवाफ़ कहबा करते थे और सबसे अला तवाफ उसका माना जाता था जो बिल्कुल नंगा होकर तवाफ़ करता था वो कहते थे इसलिए कि ये नेचर के करीब है इंसान भी जब पैदा हुआ था तो वो भी नंगा था इस तरह के लॉजिक घटते थे ना ठीक है ना जिस तरह हमारे भी यहाँ पर कई अकीदे मशहूर किए हैं कि जी एंज हो सकता था एंज क्यों नहीं हो सकता वही जी शहीद जिंदा है जिंदा को तो फिर मांग सकते हैं आगे खुद क्रॉलरीज बनाते हैं तो वो भी काफ़र भी इस किस्म की क्रोलरीज बना लिया करते थे तो फिर अल्लाह तला ने उसकी मजम्मत की कि अल्लाह के घरों में मसाजिद के अंदर जीनत के साथ आओ प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ लिहाजा मस्जिद में जाते वक्त आप ड्रेस अच्छा लेके जाए यानी ऑनरेबल ड्रेस होना चाहिए हाँ अगर किसी ज़िंदगी में किसी के की है वो ऑफिस में भी आम हालत में भी इसी तरीके से रहता है मस्जिद में मुशील लिबास में चला रहता है फिर बिल्कुल ठीक है लेकिन अपने बाकी मामला में तो वो अच्छा लिबास पहने और मस्जिद में जाते वक्त वो सुबह फजर के वक्त तो अक्सर ऐसे बेहुदा किस्म के लिबास पहने होते हैं नमाजियों ने वो तो लगता है मतलब किसी ने घर वालों ने मार के घर से निकाला है या घर से वो जैसे कोई किसी को रात के वक्त कोई चोर डाकू जो है ना वो कोई सामान उठा के ले जाए ना तो वो परेशानी में बाहर आएगा ना इस हालत में मस्जिद में आए होते हैं नमाज पढ़ने कम अज़ कम प्रॉपर ड्रेसिंग तो करके आए खूबसूरत सा लिबास रखे कई लोग हैं जिन्होंने अपने नमाजों के लिए बाकायदा ड्रेसिंग ज़्यादा रखी होती है जब नमाज़ के लिए आते हैं पूरा इतम खुशबू भी लगा के आए अल्लाह के लिए सब कुछ करें ना अल्लाह के अल्लाह को इज़्ज़त देने वाली बात है ना नमाज़ में तो आप अल्लाह की किबरी बयान कर रहे हैं तो आप प्रोटोकॉल के साथ करें बाकी शरी मसान वही रहेगा कि टी शर्ट में भी नमाज दुरुस्त है बशरते कि वो आपके कंधे ढांपती हो कंधों से यूं नीचे हो यहाँ ऊपर होगी ना इस तरीके से वो जिस तरह बुनियान टाइप होती है वो नहीं जो कंधों से ज़रा सी नीचे हो बैशे की तक वो कहते हैं ना आब बाज़ू हो तो वो जनाब नमाज़ नहीं होती है जी वो आप बाजू वाला नहीं है वो ये है कि आपने यानी अगर ये मेरी बाजू पूरी थी और आपने जानबूझ के यूँ चढ़ाई हुई है ये तो ज़ाहिर है कि ये नमाज में कराहत है ना ये कपड़ा मोड़ने से नबीम ने मना किया है ठीक है जी सही बुखारी में है कपड़ों और बालों को समेटने से मना किया गया हाँ अगर कोई आम हालत में भी ऐसे ही रहता है जिस तरह बात लोगों ने आम हालत में भी पैंट नीचे से फोल्ड रखी होती है परमानेंटली तो उसको नहीं आप कहेंगे नमाज के वो सीधी कर ले वो उसकी ड्रेस का हिस्सा है या कुछ साल पहले आप पता है, हमारे भी यहाँ पे पाकिस्तान में एक फैशन आया था वो कॉटन के कुर्ते होते थे ना तो वो यहाँ तक उसकी बाजू सिलवाते थे और आखिरी हिस्सा यूँ फ़ोल्ड करते थे एक उसी के भी ये मॉडर्न फॉर्म ये छोटी छोटी रह गई है वो उसको उस तरीके से बना देते हैं तो वो परमानेंटली फोल्ड होता है वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बाल लोग बड़े अजीब व गरीब हैं गरीबान खोल के भी नमाज पढ़ लेते हैं मतलब तो तो वज़ू करके आए ना गर्मियों में कोई होश नहीं है एक बाज़ू ऊपर चढ़ा हुआ है और इस तरह आके नमाज शुरू कर दी ये नमाज दुरुस्त नहीं है अबू दाऊद में हदीस है एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह अबू दाऊद में तिरमजी में नसाई में या रसूल अल्लाह मैं शिकारी हूँ बाज़ मेरे पास प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती है तो मैं तो जंगलों में होता हूँ तो मैं एक कमीज़ ही मेरे पास होती है तो मैं उसमें नमाज पढ़ लिया करूँ तो आपने सुनाया हाँ एक कमीज़ में नमाज पढ़ सकते हो वो यानी वो लम्बा जो तोप या जुब्बा नुमा अलबत् अपने ग्रिबान के बटन ज़रूर बंद कर लेना और अगर बटन ना पाओ तो कांटों से उसे बंद कर लेना यानी ये हजूसम ने ताकीद की ये ग्रबान के बटन खुले हुए हों इस हालत में आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है एक तो ये ऊपर वाला बटन है ना या ये एक आध बटन ये भी खुल गया अगर वो तंग कर रहा है एक ये कि सारे घरे बांध के बटन ये तो मतलब घुंडों वाला काम हुआ ना इस हालत में तो अल्लाह के सामने आपने पेश नहीं होना ना तो बटन भी प्रॉपर बंद होने चाहिए नमाज जिसके ये वाले बटन है वो भी बंद करे प्रॉपर तरीके से नमाज को एक तरीके से प्रोटोकॉल के साथ यानी वही जिस तरह आप प्रॉपर ड्रेसिंग में लोगों के सामने जाते हैं सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया अल्लाह के सामने जाते वक्त भी इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे ठीक हो गया जी